देश की जनता न्यूज डिबेट्स में अहम मुद्दों पर सरकार की सक्रियता पर जवाब सुनना चाहती है। क्या न्यूज डिबेट जनता के मुद्दे पर होती भी है कि नहीं, आज इसी पर बात करते हैं। आज हम गोदी मीडिया के एंकर और रियल मीडिया के एंकरों के द्वारा पिछले हफ्ते की 5 डिबेट्स देखेंगे और जानेंगे दोनों ने किन मुद्दों पर बात करना जरूरी समझा। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, मुश्किलों रुकावटों का सामना करते किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। दूसरा, देश के अंधता के लिए दिल्ली दूर क्यों की गई। तीसरा, किसान को उपज का वाजिब दाम क्यों नहीं मिलता। चौथा, क्या शादी के फैसले पर भी अब सरकार मुहर लगाएगी। और पांचवा, अर्थव्यवस्था ना उठे ना सही, बेकार की बहस ही सही। देश में किसान सड़कों पर हैं और सरकार द्वारा लाए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। रवीश ने इसी मुद्दे पर अपने प्राइम टाइम में बात की। किसानों के मुद्दे पर रवीश ने कुछ अहम जानकारी भी दी है। जनवरी 2019 में हुकुम देव नारायण की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि कायदे से 80 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए, मगर 496 किलोमीटर पर मंडी है। ऊपर से किसी राज्य में ज्यादा मंडियां हैं तो किसी में बहुत कम, और समान रूप से कहीं नहीं है। भारत भर में 41,000 मंडियों की जरूरत है। 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए के फंड की बात कही थी। एक साल बीत गए तब 2019 को 2000 करोड़ के फंड की मंजूरी दी गई, वो भी लोन फंड के रूप में। हिसाब लगाइए तो एक मंडी के हिस्से 10 लाख रुपए भी नहीं आते, क्या इतने से विकास हो जाता। एक साल बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है कि 22,000 मंडियों की जगह 4600 मंडियां विकसित की जाएंगी, ये प्लान है, 22,000 वाला नहीं। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, कब सुनी जाएगी अन्नदाता के मन की बात। दूसरा, क्या कृषि प्रधान देश के किसान असामाजिक हैं। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। चौथा, क्या किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई सरकार। और पांचवा, क्या लालू का कथित ऑडियो देश की सियासी हकीकत है। देश में किसानों का मुद्दा तो जरूरी है, पर देश में अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है। ये मुद्दा संदीप ने अपने शो में उठाया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। क्या जो ये थोड़ी गति दिख रही है अर्थव्यवस्था में, इसका फायदा आपको, मुझको, आम लोग को भी हो रहा है क्या, या अभी उसके लिए इंतजार करना होगा? देखिए संदीप जी, डेटा से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। डेटा एक फायदे नुकसान का एक इंडिकेटर होता है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ वापस 3.4% पिछले क्वार्टर में भी थी, इस बार भी 3.5% के करीब है। और किसान आंदोलित है, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप पानी की बौछार कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, टियर गैस छोड़ रहे हैं। इतना समय दिया, मैं किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसानों ने इतना बड़ा योगदान दिया पिछली तिमाही में भी, इस तिमाही में उन्हें इनाम क्या मिला, लाठियां। हम इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, हम बहुत नहीं, ये वी शेप रिकवरी हो रही है गोपाल बाबू, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी कहा, या ये के शेप रिकवरी हो रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब या तो वैसा का वैसा है या और बदतर हो गया आम आदमी, मेरे जैसे आदमी। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिससे जनता किसान अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पर बात करते हुए या डिबेट करते हुए देखना चाहती है। देखते हैं क्या उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा की है या नहीं। अब बात करते हैं आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और देखते हैं उनके लिए कौन से मुद्दे ज्यादा जरूरी रहे। पहला, हैदराबाद का बदलेगा भाग्य। दूसरा, किसान आंदोलन का कैप्टन कौन। तीसरा, जेल में फोन चालू, फंस गए रे लालू। चौथा, दिल्ली रॉयड्स, आंदोलन की कमान, दंगे के प्लान। और पांचवा, मोदी का तूफान, कांग्रेस में घमासान। अंजना ने किसानों का मुद्दा उठाया और उस पर हो रही राजनीति पर डिबेट की। खैर, मीडिया ने किसानों पर ध्यान तो दिया। तो सवाल यही, किसान आंदोलन का कैप्टन कौन, क्या वाकई किसानों को भड़काया जा रहा है, क्या वाकई किसान आंदोलन की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं? आज हल्ला बोल में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बोरिया बिस्तर, डेरा डंडा, चूल्हा सामान सब लेकर किसान आंदोलन में आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हर कदम पर टकराव है, घमासान है और किसान तैयार है। दिल्ली चलो आंदोलन अब दिल्ली पहुँचने को है। जिसमें सरकार का दावा है कि कृषि बिल किसान के हित में है, कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को भड़का रही, वहीं विपक्ष सरकार को किसान विरोधी करार दे रहा है। दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर सबसे मुखर होकर बोल रहे हैं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बीते दिनों उन्होंने ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीधा कहा कि अगर किसानों को एमएसपी पर कोई दिक्कत हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसानों को भड़काना बंद करिए। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अहमियत दी। पहला, किसानों के नाम पर किसकी सियासत, अन्नदाता का आक्रोश किसका दोष। दूसरा, आतंक के खिलाफ कब होंगे एक साथ, नहीं भूलेंगे 26/11। तीसरा, लव जिहाद के खिलाफ क्रांति, लव से बहर नहीं, जिहाद किया तो कहर नहीं। चौथा, जम्मू एंड कश्मीर का लैंड स्कैम, कश्मीर को अपनों ने लूटा, घोटालेबाज है गुप्तकार गैंग। और पांचवा, बिहार के बाद अब बंगाल में संग्राम, किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। अमीश ने भी किसानों के मुद्दे पर डिबेट की पर सिर्फ एक बार। किसानों पिछले 3-4 दिन से मीडिया की सुर्खियों में हैं, पर डिबेट सिर्फ एक बार। आइए देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या कह रही है। करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसके तहत किसानों को मंडियों के बाहर भी कृषि उपज बेचने की छूट होगी। लेकिन पहले संसद में विपक्ष में ने इसका जोरदार विरोध किया, फिर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ, और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए, जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। सवाल है कि क्या वाकई किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है। वैसे सवाल यह भी है कि बीजेपी अपने सहयोगी रही अकाली दल को इसके फायदे क्यों नहीं समझा पाई। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, अन्नदाता का आक्रोश किसका दोष। आपने अब खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।